नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बेतालुक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर की एक और बेजोड़ और छोटी सी महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे यहां पर समितियां और आयोग की, और इसके अलावा प्रमुख उत्सवों की, और कुछ विज्ञान में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है उसके बारे में। मैं करंट अफेयर्स की बहुत छोटी छोटी श्रृंखलाएं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा कर सके और करंट का कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। आइए आज के क्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग और समितियों पर। देखिए, जल्दी जल्दी से मैं बताता चलता हूं। नचकेत मोर समिति का संबंध किससे है? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, नए बैंक ढांचे की सिफारिश के लिए। रघुराम राजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। गाडगिल व कस्तूरी रंजन समिति का संबंध पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है। दांतवाला समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। एक समिति निश्चित रूप से आपसे पूछी जा सकती है, यहां पर आप इन चीजों को पेन डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ आगे। इसके अलावा मैं बात करूं, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। यहां पे मैं उतना ही लिखता हूं जितना आपके लिए आवश्यक हो। मैं ज्यादा वर्णन आपके ऊपर कंटेंट का नहीं डालता, क्योंकि यहां से इतना ही पूछा जाता है और इतने में ही प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। सच्चर समिति का संबंध मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से रहा है, लगातार पूछा भी जाता है आपका। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध केंद्र सरकार ने देश में गरीबी के आकलन और गरीबों की पहचान के नए तौर तरीकों को सुझाने के लिए समिति का गठन किया था। डॉक्टर कृत्यस पारिक समिति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर है। बीएस व्यास समिति का संबंध कृषि एवं ग्रामीण विस्तार हेतु किया गया था। इसके अलावा महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। मैं आपको बता दूं, 2019-20 की जितनी प्रमुख समितियां हैं सब इसमें समाहित है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग के विकास के लिए है। कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति 1 जुलाई 2019 को 9 सदस्यीय समिति की जो अध्यक्षता थी वो तत्कालीन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, अब तो बदल चुके हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता में की जा रही थी, किया गया था। इसके अलावा आगे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ निजी कंपनियों को गैस कनेक्शन पर सब्सिडी देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रीट पारिक, प्रमुख अर्थशास्त्री। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की देखरेख की समिति लिए गठित की गई, और इसके जो ये अप्रैल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु स्वच्छ कार्यक्रम NCAP को लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करेंगे, जो भी उस पद पर होगा। उस शिक्षा में सुधार हेतु आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार के थिंक टैंक संवाद और विकास आयोग द्वारा राजधानी में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु एक 17 सदस्य उच्च समिति का गठन किया गया। DDC के उपाध्यक्ष जैस्मिन साहू, तत्कालीन जैस्मिन साहू उस समिति के अध्यक्ष होंगे। आपसे अगर यह पूछा जाए कि जैस्मिन साहू समिति का संबंध किससे है, पूछा भी जा चुका है एक बार UP SSC में, जैस्मिन साहू समिति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, यह उच्च स्तरीय समिति है। आइए, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, हाँ, अनूप सतपति की अध्यक्षता में, अनूप सतपति। जम्मू और कश्मीर में राज्य विधि आयोग का गठन किया गया है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। MK हंजुरा इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में है, न्यायमूर्ति। अमिताभ राय समिति का संबंध सीधे सीधे न्यायालय द्वारा पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अमिताभ राय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो देश भर में जेल सुधारों के सभी पहलुओं उनके लिए उपायों का सुझाव देगी। तो अमिताभ राय समिति का संबंध किससे है? जेल सुधारों से। देखिए, कोई भी समिति बनती है तो इनकी रिपोर्ट 2-3 वर्षीय होती है, इसलिए 2018 की समिति 2021-22 तक आपके लिए प्रासंगिक है, और लगातार 3 वर्ष की परीक्षाओं में करंट के रूप में आपसे पूछी भी जाती रहती है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। मॉब लिंचिंग को नियंत्रण करने हेतु रकबर खान की जब मृत्यु हुई तो 3 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने घटना की जांच और निवारक उपायों का प्रस्ताव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ना, राजस्थान के अलवर में हुआ था। गर्भपात विरोधी विधेयक, अमेरिकी प्रांत अलबामा की सीनेट ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को 14 मई 2019 को पारित कर दिया। विधेयक के मुताबिक गर्भपात करने वाले चिकित्सकों को 99 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। चलिए, इसके अलावा देखिए, 2019-20 में हुए प्रमुख उत्सव और महोत्सव आपके कौन कौन से हैं, जिनको नाम दिया गया, एक प्रमुख समितियां थी। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव शिलोंग है,
लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है, आदि महोत्सव लेह से संबंधित है, सिंधु दर्शन लेह से संबंधित है, जनजाति महोत्सव नई दिल्ली, थ्रिसुरई लिली मणिपुर, वाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, लगभग लगभग मैं आपको यहां पर रटलों में लगभग सबसे प्रश्न आपको करा चुका हूं। आइए इसके अलावा हम लोग देखें, हाँ, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, बोनालू उत्सव एवं बुद्ध कम्मा उत्सव तेलंगाना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर मध्य प्रदेश, संगम युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल। वर्ष 2019-20 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह देखिए, पीएसएलवी C-44 24 जनवरी 2019, माइक्रोसेट आर और कलाम सेट बी टू, पीएसएलवी 45 से 1 अप्रैल 2019 को एमई सेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह, पीएसएलवी 46 22 मई 2019 को रिसेट टू बी, जीएसएलवी एम के थर्ड M1 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, जरूर याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में मिलेगा। पीएसएलवी C-47 27 नवंबर कोर्टोसेट 3 और 13 नैनो अमेरिकी उपग्रह, क्लियर है। आइए पीएसएलवी C-48 11 दिसंबर 2019 से रिसेट 2B और 19 विदेशी उपग्रह, 1 अमेरिका, 1 इजराइल और 1 इटली और 1 जापान, क्लियर है। आइए भारतीय प्रतिनिधि प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग देशों के लिए जो पुरस्कार दिए गए उन पुरस्कारों की चर्चा यहां पे की गई है। फिलिस्तीन ने कौन सा अवार्ड दिया, ग्रैंड कालर पुरस्कार, रूस ने सेंट एंड्रयूज पुरस्कार, सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अनीजम अल सेस पुरस्कार। में एक बार और पुरस्कारों में आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं, मालदीप में रूल ऑफ निशानेजुद्दीन, दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार और बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 इनको प्रदान किया गया। तो यह आज का क्रम था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको देने की कोशिश की, जिसमें समितियां थे, आयोग थे, कुछ प्रमुख आयोजन थे, उत्सव थे, वर्ष थे, कुछ विज्ञान था और कुछ ये था, है ना। तो इसके साथ ही आज का ये विषय समाप्त करते हैं। संस्था में लगातार पीसीएस से संबंधित बैच संचालित हो रहे हैं, सुपरटेट से संबंधित, इन बैच में प्रवेश लेने के लिए आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीसीएस में प्रवेश लेना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और सेस्टेट में प्रवेश लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। त्यौहार आने वाला है, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, आप लोग प्रेम पूर्वक होली बनाएं, स्वस्थ रहें, बहुत शानदार बैच चल रहे हैं, अपने भविष्य को भी सुरक्षित करें। नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर फोन करके भी आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह प्रतिबद्ध है आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार।